गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, PT1 एग्जामिनेशन जो हम लोग का चल रहा है अपना स्कूल का, उसका सिविक्स पॉलिटिकल साइंस का एक आउटलुक मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस तरह का क्वेश्चन आना है। तो सारे क्वेश्चन जो हैं वो ऑब्जेक्टिव रहेंगे, MCQ रहेंगे, जस्ट ये आउटलुक है। जरूरी नहीं है कि इसमें से ही क्वेश्चन रहेगा, इस तरह से आपको बनाना है। पहला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी टाइम्स बिटवीन 1972-1993 वाज द बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ किस चीज के लिए? श्रीलंका में जो उन्होंने देखा इथनिक ग्रुप के बीच में जो वार हुआ उससे बचने के लिए, तो अमेंडमेंट हुआ 1970 और 1993। कितने बार अमेंडमेंट हुआ? 4, 5, 3 और 6। आपको मालूम है कि 4 बार उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया और कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया और सभी को बराबरी का दर्जा देने का कोशिश किया गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इन विच लिस्ट डू एजुकेशन, फॉरेस्ट एंड मैरिज फॉल। आप देखिए, जैसे ये एजुकेशन है, इसमें तो आपको मालूम है ना, तो यूनियन लिस्ट में आता है और ना ही ये स्टेट लिस्ट में आता है, ये दोनों में मिल करके आता है, तो दैट इज कंकरेंट लिस्ट। और सेम इसी कंकरेंट लिस्ट में फॉरेस्ट भी आता है और मैरिज भी आता है। अब यहां पे देखिए, हु इज द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत का हेड कौन होगा? तो ग्राम पंचायत का जो हेड है वो पंच होगा, सरपंच होगा, मेयर होगा, नन ऑफ दी। मेयर पहले ही काट लेंगे क्योंकि ये नगर निगम से है। उसके बाद आइए पंच, जो स्मॉलर यूनिट होगा वो, और यहां क्या बोलता है, हेड, नो कि स्मॉलर यूनिट, तो क्या हो गया, सरपंच। लास्ट, ए मेजर स्टेप टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन पूरा आपने पढ़ा कि पावर को तोड़ना, मतलब कि ग्रास रूट से लेकर के और ऊपर तक पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना, बिल्कुल आम सिटीजन तक, एकदम गांव तक, तो वो हो गया आपका डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, जिसमें ग्राम पंचायत और शहरी निकाय आए हुए थे। तो बोलता है स्टेप टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन, ये कब लिया गया? तो ऐसे तो बहुत दिन से था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके 1992 में 73rd अमेंडमेंट किया और उससे क्या हुआ, ग्राम पंचायत को बड़ा ही सशक्त और पावर दिया। क्या दिया कि चुनाव एक निश्चित समय पे होगा, एक इंडिपेंडेंट यूनिट जो है वो चुनाव करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1992, और कौन सा अमेंडमेंट अगर इसी में पूछ देगा कि किस अमेंडमेंट, तो 73rd अमेंडमेंट के द्वारा हुआ। ठीक है, इसी तरह से और भी MCQ आपको तैयार करना है। ओके, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।